हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। उसी मोमेंट से नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। अब थोर और हेला को दिखाएंगे हम हमारे नया पप्पी, और इसका नामकरण भी करना है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना पापा जी? सही बात है ना? इसका नामकरण क्या करोगे मम्मी? नामकरण मकोड़ी। ना ना, बहुत अच्छा करे, मजाक की बात। चलो भाई, ये देखो इन दोनों को छोड़ देते हैं। सुबह का टाइम है ये, मैं शाम का शूट नहीं कर पाया था, तो कोई नहीं, वो आज का शाम का कर लूंगा शूट प्रॉपर तरीके से, जो जो इसने करा। और ये देखो बहरम कहाँ बैठी है, ये देखो यहाँ सो रही है। ये एक मिनट भी नहीं लगाती नीचे, मतलब इसको कोई ना दिख रहा तो कु करती रहती है कि भाई मुझे ऊपर ले ओ। और यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे बिठाई हुई थी थोड़ी देर के लिए कि यहाँ बैठ जा। इसका गद्दा तो बाहर है, वो छोटे वाला जो थोर का था ना वो इसको दे दिया, क्योंकि थोर उसके साथ खेलता रहता था, पर ये उस पर सो जाएगी। और हेला और थोर नीचे रहते हैं, ये ऊपर रहेगी मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शरारती है। हेला को ये कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि ये छोटी है ना, अभी इसको पता नहीं है उसके हिसाब से, मतलब उसके हिसाब का। तो इसके दांत भी बहुत पहने हैं, वही पप्पी बाइटिंग वाला इश्यू आएगा इसमें, क्योंकि अभी ये छोटी, इसके नए दांत आएंगे। तो वापिस से अब मुझे खुद मेरी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी, कैसे मैं गाइड करूँ सारा सिस्टम। तो अगर आप लोगों के पास भी न्यू पप्पी है ना, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो, जब मैं थोड़ लाया था तो मैंने किस तरीके से इनको गाइड, मतलब कि ट्रेन करा था सब चीजें। तो अब ये बहुत ज्यादा नया मैस होने वाला है शुरू, तो भाई इस जर्नी में मेरा पूरा साथ देना आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए, देखो आप लोगों के लिए तो मैंने लिया ही है डिसीजन, बट ये मेरे लिए भी लिया है, ठीक है? तो साथ में चलेंगे दोनों, ठीक है? दोनों मतलब आप, पूरी मेरी फैमिली, ऑडियंस और मैं, ठीक है? तो चलो, अभी तो ये सो रही है, जब ये उठेगी तब आपको दिखाता हूँ मैं। नो, वो बहन है तेरी बड़ी, इज्जत से। नो, दिख रहा है? नो, बेटे, शी, नो, समझ नहीं आ रहा तेरे को एक बार में? समझ जा, यहाँ का रूल कुछ हो रहा है इस घर का, सारे तमीज में रहेंगे। नहीं, नो, बैठ जा भाई, सिट। भाई गाइज, आप लोग ना जज मत करना, इसको रूल तो समझाने ही पड़ेंगे ना, ये है तो बच्चे, पर इसको फिर भी रूल समझाने पड़ेंगे। इस घर में कोई भी किसी का खाना खा सकता है तुम तीनों में से, तो ये रूल नहीं है कि कहीं तो गुराए उसको, सुन रही है तू? शरारती सबसे ज्यादा ये, और हेला को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, क्योंकि हेला बहुत प्यारी और नाजुक बच्ची है। तू प्यारी है पर तू हद से ज्यादा शरारती है, सुन रही है ना? हेला को उसकी स्पेस चाहिए, तो उसका घर और उसकी खाना और उसकी चीजें नहीं देखना, ठीक है? बड़े भाई की तरह सीख अपने, थोर की तरह। व्यू देख लो, थोर बेड पे सो रहा है, हेला को ऊपर सुलाया हुआ है और ये नीचे सो रही है। पापा, इसके पीछे क्या कारण है, आप हमें समझाएंगे थोड़ा सा? इसमें यह शैतानी तो नहीं है, ये बेचारे दोनों लाइन पर लगा रखे हैं। वहाँ बेचारी माँ बैठी है, ये और बैठा है, यहाँ पर टिकने को नहीं थी। अरे थोर कैसे, थोर छोटे बच्चों कुछ नहीं कहता है पापा जी। ये तो बहुत ज्यादा, तो ज्यादा शरीर है, ये कुछ बोल नहीं दिया, आगा होके भाग जाता है। पर बड़ी होती तो बड़ी होती तो फिर उसकी हिम्मत ही नहीं आती पता, उसका तो हमने खुद देखा हुआ एग्जाम्पल। एक बार मैं लेके गया हुआ था इसे, तो एक और मतलब बड़ी फीमेल थी, वो थोड़ी देर तो खेल ली, इसका मन नहीं था, फिर तो इसने उसको धमका दिया और भगा दिया इसने उसको, मतलब कई बार करा इसने, कई बार देखा मैंने, पर छोटे बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, खुद ही हट जाता है वहां से। अभी बच्ची है ना, तो अभी इसको समझा भी नहीं सकते, मतलब ट्रेन भी नहीं कर सकते प्यार से, गुस्से से, कुछ भी, इसको कुछ समझ नहीं आएगा इस टाइम। थोड़ी सी बड़ी होगी तब समझ आएगा, तो फिर भी पर मैं ट्रेन कर रहा हूँ। और इतने पहने दांत है ना इसके, इतने शार्प दांत है, मतलब ऐसे नीडल की तरह चुभते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दांत, पर बहुत ज्यादा तेज है। कोई नहीं, करेंगे कंट्रोल, करेंगे सब चीजें। फुल शरारती आदमी है तुम, फुल शरारती आदमी है। अच्छा, मम्मी इसके हिसाब से नाम रखेंगे इसका, इसके हिसाब से, इसकी हरकतों के हिसाब से। पहने तूफान, फीमेल है ये, हरिकेन। बोल गए तेरी, बोल गए, बोल गए,
जा था भी नीचे जाना है, जाओ नीचे जा था रुजा। वो आ गई, आ गई। वो दिखे उसकी दिखे थी और दिखे बोल ले। अरे हेला बैठी चौंक बैठी है। हेला की और इसकी दोस्ती सबसे लास्ट में होगी मुझे लग रहा है। पहले थोर के साथ होगी इसकी दोस्ती है ना। देखा से थोर देख रहे है कि मेरी बोल लेगी, मम्मी उसको दे रही है। थोर ले ले तेरी बोल ले। ओ आया नहीं थोर, नहीं आया। उसने ले ली। और तुम मोट को इतनी भारी बोल रहे हो। अब देख ठाके ले आओगी तेरी। नहीं 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 जा बोल ले बेटा तेरी। उसके थोर में लेके पास गया था। थोर पर चल गया और थोर जानबूझ के सब कॉर्नर पे रखता था कि बॉल गिरे और फिर मैं खेल पाऊं। वैसे तो इसका एटीट्यूड ज्यादा है थोर का, सीधा आके तो इसको कहेगा नहीं कि चल खेलते हैं। ये देखो भाई, ये बहुत ज्यादा शैतान आदमी है, हैं? बहुत ज्यादा शैतान आदमी है, बहुत ज्यादा। ओए, भाई अब मेरे को ना देख देख, चारों पैर जमीन पे तो रहते ही नहीं, मतलब कूदती रहती है। ओए, आजा। इसका नाम अभी तक नहीं रखा है। देखिए देखिए देखिए, आजा, आजा। अच्छा, अच्छा। अच्छा आजा आजा इधर आजा। देख देख छेड़ना छेड़छाड़ करती रहेगी पूरा दिन। इधर आजा आजा, पूरा दिन छेड़छाड़ पूरा दिन। चलो भाई अब वो सीरीज वापस शुरू होगी कि छोटे बच्चों को कैसे संभाले वगैरह वगैरह अपडेटेड वर्जन में, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। और अब इसके साथ मुझे सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि ये घर में सुसु कर रही है और एक बार इसने पोटी भी कर दी घर में, तो सबसे मेन इशू ये है। और दूसरा मुझे एक और चीज समझ आ रही है, इसमें दिमाग नहीं है भाई, इसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। जैसे थोर था ना उस टाइम पर, उसको अगर मतलब ट्रीट दे के समझा दो या उसको डांट मार दो तो समझ जाता था। इसको कुछ कर लो, इसको कोई समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता इसको। एक इसके लिए देखते हैं इससे कैसे हैंडल कर पाएंगे आप इस सिचुएशन से। पर करे तो यही भाई, ऑब्वियसली बात है। पर भाई इसमें दिमाग नहीं है मुझे लग रहा है, बिना दिमाग का जानवर है भाई ये। ओए देख 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 देख। और ये थोर वाला जो गद्दा है ये इसको दे दिया है, रात को इस पे सोती है ये, सुबह में या धूप पे रख देते हैं ताकि थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह वो निकल जाए। ठीक है देख, फिर देख कहाँ भाई, बड़ी बड़ी शैतान है भाई, बड़ी शैतान है। थोर थोर नीचे तो भाई इसके साथ मिलता नहीं, मतलब थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश कर रहे हैं अब ये दोनों, बट उसको अब शाम को ऊपर लेके आऊंगा, देखते खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या फिर अभी ले आऊं, अभी ले आता हूँ। ये लो भाई थोर महाराज भी पहुंच गए हैं। थोर इसके साथ खेल ले, चल खेल ले खेल ले खेल ले, ये देख ले। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ये लो भाई, थक के थोर बैठ गया और थक के ये बैठ गया। और थोर ने इसका क्या हाल करा है देखना एक सेकंड। ये देखो सारी गिल्ली हुई हुई है। अब पता चला बेटे, पहले तो तू हल्के में ले रही थी। यार इसके तो एक तो दांत इतने पन्ने हैं ना। हाँ 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 ठीक, अब पूछ पकड़ लेगी अपनी। शरारत में कोई कमी नहीं है, थोर भी बड़े भाई का फर्ज निभा रहा है अब।
यार अब ये उठा नहीं था और चल इसकी दोस्ती होगी इसके साथ, इसका मतलब नहीं उठ जाता इतनी देर में ये। दी 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 दी। ले 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 और कर ले। देख लो पापा ये अभी भी इसकी हरकतें देख लो, रेल बना दी इसने कह लिया है अपने भी यार इनकी। बाकी अब ये यहाँ पे सही है, इसको दो तीन घंटे सुबह और देख ले पहले देख ले नहीं तो ये ये तो अब तो होने लग गया है, थोड़ी देख ले यार इसको उठा ली थोड़ने ले ली पापा देखना पापा इसमें मिट्टी क्यों है, ओए मिट्टी मत खा शादी है ये। चलो चलो भाई अब इनका डिनर टाइम है। ये रमिंड को इसका नाम अभी तक हमने फाइनल नहीं करा है, मना कर दिया। निक्की निक्की हाँ, निक्की कैसा लगा पापा सही नहीं है ना? नहीं कर का नाम तो कर दिया भाई, मुझे तो सही नहीं लगा। आप सबके मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अच्छा एक सेकंड आप लोगों ने इतना अच्छा रिएक्शन दिया और इतनी अच्छी सजेशन दे रहे हो। अरे देख देखिए छिड़ रही यह मस्त है एक नंबर। एक पापा जी क्या कमेंट देना चाहोगे आप इसके बारे में? वैसे तो सही है बच्ची एक्टिव हो जाए घूमती फिरती रहा, लेकिन यार ये हमारे पास शो की बहुत क्वालिटी है यार इसका, है ना? मेरी बॉडी में सॉरी थी कल देख पीछे के पांव ना, नहीं खुद कह रही है मुझे ले ले ये देख गलती ले ले। आपको क्या लगा क्वालिटी इसकी? ये है कि एक अच्छी क्वालिटी इसकी है कि आप गोदी में ले बैठे रहो, चार घंटे सुला लो इसने कुछ भी ना डिस्टर्ब ही नहीं करेगी, ना सुसु करेगी, ना पोटी करेगी, ना कुछ नहीं करेगी। ये मेरे को कह रही है आज ले ले आ जाए इधर। और मैं बता देता हूँ पूरा तूफान है भाई, खाली जैसे जैसे बच्ची ना जैसे डांट मार के पापा जी बिठा दो साइड में, फिर भी कुछ ना कुछ कोण में कुछ ना कुछ ऐसे करते रहिए, ऐसे ही ये करती है। आज सुबह मैंने इसको बिठाया डांट मार के, मैं बैठ तो बस बहुत हो गया, पता क्या करती है ऊपर वाली अलमारी के साइड में बैठ के नीचे मुकर के फिर इसको छेड़ने लगी। पूरी शरारती है भाई। चलो अब बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, मुझे जिस दिन लगेगा कि आप लोग अच्छी तरीके से रिटेंशन दे रहे हो उस दिन डेली व्लॉग शुरू हो जाएंगे, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग्स तो आएंगे ही आएंगे। और टेल्स ऑफ थोर एंड हेला पे भी हाँ वो आप लोगों के ऊपर बात है, मैंने तो पहले भी डेली व्लॉग्स करे थे तो मेरे को तो आदत हो चुकी है, मैं कर सकता हूँ इतनी मेहनत, बट आप लोग दिखाओ आपकी है ना मेरी कि इतनी मेहनत मेरी वैल्यू रहे उस बात की। ठीक कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी एक दिन छोड़ के एक दिन तो व्लॉग्स आएंगे ही आएंगे, कंटिन्यू चल ही रहा है। और चलो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार व्लॉग के। बाय 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 बाय।